सर, पहला क्वेश्चन मेरा सुजलान एनर्जी से है। हम्म, उसके मेरे पास 9,000 शेयर हैं और 9.34 की परचेज है, तो ये सुजलॉन। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो ये क्या होल्ड करूं या क्या कर सकती हूँ इसमें? क्यों लिया लॉन्ग टर्म के लिए? कुछ पढ़ा था आपने इसके बारे में? अच्छा लगा था या किसी ने यस, बताया? नो नो सर, मैंने पढ़ा था कि आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का ही काफी वो है, वैल्यू है, और प्रधानमंत्री जी के उससे भी सुनते रहते हैं, और ठीक है, तो वो इसलिए इंडस्ट्री और पढ़ा अच्छा मैं। करेगी, प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है, और हाँ उसमें जी, आपको लगा सुजलॉन सबसे बेहतर है। यस सर, ठीक है, आपकी स्टडी है भाई। मानस सुजलॉन क्या करना चाहिए? कहने के लिए तो है ये पेनी कैटेगरी का, मेरी खरीद से 70-80 पैसे नीचे ही चल रहा है। लंबी अवधि के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में सुजलॉन पे बेट लेते या नहीं? इंडस्ट्री अच्छी है, पर जी ये स्टॉक और इसकी चार्ट कैसी है? देखिए, इंडस्ट्री और थीम चूज करना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उस थीम और सेक्टर में स्टॉक को चूज करना वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो आपने सेक्टर सही चुना है, लेकिन शायद स्टॉक गलत चुना है। तो अब अगर हम सुजलॉन की बात करें, देखिए, जो जो फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, उसको आप एक किनारे रख दीजिए। केवल एक बेसिक सी चीज आप देखिए कि 2008 से लेकर अभी तक जो स्टॉक लगातार क्रैक हो रहा है, और 2008 से लेकर अभी तक जो निफ्टी ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, इसके मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। तो उस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए जहां पर इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। छोटा मोटा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, फंडामेंटल्स अच्छे हो तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस, इसके माने कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मेरा समझना यह है कि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। कभी भी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो या तो छोटा मोटा प्रॉफिट हो, उसमें निकलने की कोशिश करें। और ये जो नए एवेन्यूज जिनकी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, आपने सुना, वो नए एवेन्यूज में जरा देखिए कौन कौन सी कंपनीज ने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, कौन कौन सी कंपनीज। ये ठीक है, ये उस स्पेस में है, लेकिन क्या वो नई थीम्स में भी है? वो है, आई डाउट। थोड़ा सा पढ़िएगा। और मानस तो कह रहे हैं भाई, जिसमें इतने सालों से कुछ नहीं हुआ और अंडर परफॉर्म करा है, उसमें कोई दिक्कत है। तो थीम सही है, स्टॉक गलत है। मैम थोड़ा सा और इनडेप्थ पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कौन कौन सी दिग्गज कंपनी दरअसल उस न्यू एनर्जी स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन पे आप